नमस्कार, मैं एसके पी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। वन कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट क्वेश्चंस के इस सेक्शन में, यानी कॉन्सेप्ट एक और सवाल अनेक में, टाइम स्पीड और डिस्टेंस पर मैं आज बात करने वाला हूं। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होती है और किस तरह से क्वेश्चंस पर उसे अप्लाई करते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। आपको सिर्फ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सीखना है और आप ये इस वीडियो के सेक्शन में मैंने कुल 10 क्वेश्चन लिए हैं और 10 डिफरेंट क्वेश्चन हैं, और ये 10ों डिफरेंट क्वेश्चन आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से कर पाएंगे। आपको अलग अलग टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो आइए हम लोग पहले रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसे इन क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे जो इस वीडियो में मैंने लिए हुए हैं, कुल 10 क्वेश्चन। इसके पहले मैंने टाइम स्पीड और डिस्टेंस पर, इसके पहले के वीडियो में मैंने बात किया था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो जो स्पीड होती है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, और इस एक कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने 7 डिफरेंट क्वेश्चन किए थे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उसका लिंक मैं वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा ताकि आप उसे लाभ ले सकें। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, रिलेटिव स्पीड होती क्या है और ये इसकी क्यों जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। स्पीड तो आप जान ही रहे हैं कि स्पीड को हम लोग चाल, और कॉन्सेप्ट मीन्स होता है कि कोई भी चीज हम कितना बेहतर तरीके से उसे समझ पाए हैं। और रिलेटिव की जो हिंदी है वो सापेक्षिक भी होती है, अपेक्षिक होती है, और स्पीड के लिए चाल का यूज हमने किया हुआ है। तो जो सापेक्षिक या अपेक्षिक गति होती है वो कुल 2 प्रकार की होती है, या 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। एक ये कि जब बॉडी, या जब दो बॉडी या पिंड एक ही दिशा में गतिमान हो, यानी सेम डायरेक्शन में वो बॉडी मूव कर रही हो, दो बॉडीज ऐसी जिनका डायरेक्शन सेम है। तो मान लीजिए कि एक बॉडी ये है और ये इसकी स्पीड हम S1 मान लें, और दूसरी बॉडी है जिसकी स्पीड हम S2 मान लें। दोनों सेम डायरेक्शन में जब ये मूव करेंगी, जब ये चलेंगी, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड ये माइनस हो जाती है, यानी ये इन दोनों का अंतर ले लिया जाता है, डिफरेंस ले लिया जाता है। तो अगर S1 S2 से बड़ा है तो S1 माइनस S2 हो जाएगा, इसमें जो बड़ा रहेगा उसमें से उसे माइनस कर देते हैं। तो इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई S1 माइनस S2, जब दो बॉडी एक ही दिशा में गतिमान हो, जब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो। और दूसरे में क्या है कि जब दो बॉडी विपरीत दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रही हूं, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो मान लीजिए कि एक बॉडी इस डायरेक्शन में है और दूसरी इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो ऐड हो जाएगी। रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी जो होगी वो S1 प्लस S2 हो जाएगी, ये दोनों ऐड हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ, यहां 2 स्थितियां पैदा हो सकती हैं। पहला ये कि दो बॉडी बिल्कुल आमने सामने ऐसे आ रही हैं,
और ये एक दूसरे के विपरीत है, ये मान लीजिए S1 स्पीड से, ये S2 स्पीड से। तो अगर किसी समय इनके बीच का ये गैप है किसी समय, तो ये दोनों की स्पीड से इस गैप को फिल किया जाएगा, ये गैप दोनों की स्पीड से भरेगा, दोनों की स्पीड से इनकी लगातार डिस्टेंस कम होगी, और ये जब दोनों एक साथ आएंगी तो यहां पर ये दोनों मिल जाएंगे, यानी ये लगातार स्पीड डिस्टेंस इनकी बीच की कम होती जाएगी। दूसरी स्थिति ये होगी कि मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है या प्लेस है, यहां से एक बॉडी इस दिशा में मूव कर रही हो और दूसरी बॉडी इस दिशा में मूव कर रही हो, दोनों बॉडी इस पॉइंट पी प्लेस से मूव कर रही है, तो दोनों ये विपरीत हैं, दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इनकी जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ती जाएगी, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी और यहां पर जो इनकी बीच की डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। और यहां पर बीच की डिस्टेंस जो है बढ़ती जाएगी, बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी। तो ये दो बातें हम लोगों को समझनी थी। अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। मान लीजिए कि एक बॉडी ए है, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, और एक दूसरी बॉडी बी है, इसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, और ये दोनों बॉडी ये एक ही दिशा में ये चल रहे हैं, और मान लीजिए कि 200 मीटर का ये फासला P और Q दो स्थान हैं, और इन दोनों स्थान के बीच का जो दूरी है डिस्टेंस है वो 200 मीटर या 2 किलोमीटर मान लीजिए, 2 किलोमीटर में मान लेता हूं, अब ए भी इसी डायरेक्शन में और बी भी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये जो इनकी बीच की डिस्टेंस है, क्योंकि बी की स्पीड ज्यादा है तो ये बी आगे ए से निकलती रहे, बी जो है ए से आगे निकलती रहे, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जो बड़ा है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई। इस रिलेटिव स्पीड से इस 2 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इसको तय करने में 2/5 यानी 2/5 ये आवर में आएगा, इसे मिनट में बदल लिया जाए तो इसे 24 मिनट का टाइम लगेगा इस रिलेटिव स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर करने में, 24 मिनट का समय लगेगा। अगर ये दोनों बॉडी इसी 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को विपरीत दिशा से आ रही हैं दोनों, यानी ये 10 किलोमीटर पर आवर से ए आ रहा है, इधर से ये बी 15 किलोमीटर, तो अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि ये विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो इनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, तो 15-10-25 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो इस डिस्टेंस को कवर करने में या तय करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ टाइम बराबर आ जाएगा 2/25, और इसे अगर हम 60 सेकेंड यानी मिनट में बदलें तो ये 12 से कट जाएगा और ये 5 से, तो ये 24/5 यानी 4.8 मिनट जो है इस डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा। तो जब वो सेम डायरेक्शन में थी तो इसी दूरी को कवर करने में 24 मिनट लगा, जब वो अपोजिट डायरेक्शन से मूव करेंगी तो इसी दूरी को कवर करने में 4.8 मिनट का समय लगेगा। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी पर
का मेन जो कॉन्सेप्ट है वह यही है कि जब दो बॉडी एक डायरेक्शन में चल रही हो तो उनकी रिलेटिव स्पीड, उनके उनकी स्पीड का अंतर ले लिया जाता है, डिफरेंस ले लिया जाता है, यानी घट जाती है। अब जब दो बॉडी विपरीत दिशा में चल रही हो तो उनकी स्पीड को ऐड कर लिया जाता है। बस इतने से कॉन्सेप्ट से हम लोग इस पर 10 क्वेश्चंस जो अलग अलग टाइप के आए हैं, अलग अलग तरीके के हैं, उनको करेंगे। कॉन्सेप्ट सिर्फ बस इतना ही है कि जब दो मूविंग बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो उनकी रिलेटिव स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है, घटा दी जाती है, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो तो उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती है। बस इतनी सी बात को हम लोग आज के क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि अलग अलग यानी डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन है सिर्फ एक ही इस कॉन्सेप्ट से वो सॉल्व हो जा रहे हैं और बहुत इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है पहला क्वेश्चन आज का कि ट्रेन ए और बी एक ही समय में शुरू होती है। ट्रेन ए स्टेशन एक्स से और वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है और ट्रेन बी स्टेशन एक्स तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करती है। वे 1 घंटे 36 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करती है। स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी क्या है? तो मैं आपको एक डायग्राम से भी इस बात को समझा देता हूं कि ये दो स्थान हैं, ये एक्स और वाई, इनकी बीच की डिस्टेंस क्या होगी ये हम लोगों को पता करना है। और एक ट्रेन है जो ए है, वो ए जो ट्रेन है वो बी वाई की तरफ चलती है और इसकी स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी ट्रेन है वो बी है, और ये बी जो ट्रेन है वो एक्स की तरफ चलती है 80 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में दोनों ट्रेन की स्पीड विपरीत दिशा से आ रही है, यानी दोनों की स्पीड अपोजिट, इसकी स्पीड 55, इसकी स्पीड 80, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड इनकी ऐड हो जाएगी, यानी 50 + 80, तो ये कितनी हो गई? देखिए ये हो जाएगा 135 किलोमीटर पर आवर इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई। अब कह रहे हैं कि इस स्पीड से एक्स और वाई की बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे 36 मिनट में कवर कर ली गई। तो 1 घंटा और 36 मिनट को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे, तो 12 + 36 = 12, 25 = 60, और ये हो जाएगा 8/5 घंटा। तो 8/5 घंटे में इस स्पीड से जो डिस्टेंस कवर होगी वही इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी होगी। तो इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी को यानी डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? रिलेटिव स्पीड 135 किलोमीटर पर आवर आ गई, तो चाल बराबर दूरी गुणे समय होता है, समय 8/5 घंटा आ गया है। तो अब देखिए ये 5 से कट जाता है, 5 × 10 और 5 × 7 = 35 और 8 × 7 = 56 के 6 + 5 = 8, 2 × 16 = 5 = 21, यानी 216 किलोमीटर इन दोनों स्टेशनों की बीच की डिस्टेंस है और ये है ऑप्शन डी। तो इसमें हम लोगों ने वही बात अप्लाई किया कि जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाए, उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड कर ली जाएगी, और जो अपोजिट सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो उसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ आपको रिलेटिव स्पीड पता हो गई, डिस्टेंस आपको निकालना था और टाइम दिया था, और इस प्रकार से हम लोगों ने इजिली इसका डिस्टेंस प्राप्त कर लिया दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी को, यानी एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस को हम लोगों ने पता कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और उसमें भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं।
क्वेश्चन नंबर दो में दिया है कि एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 3 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक और रेलगाड़ी ने 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 8 घंटे बाद रेलगाड़ी मालगाड़ी से आगे निकल जाती है तो मालगाड़ी की गति क्या है? अब देखिए, मान लीजिए कि ये एक स्टेशन है, और इस स्टेशन को एक मालगाड़ी पार की है। मान लीजिए कि ये जो गाड़ी जा रही है ये मालगाड़ी गुड्स ट्रेन है, जीटी मान ली, इसकी गुड्स ट्रेन ये आगे चल रही, और एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जब ये स्टेशन पार की है तो 3 घंटे बाद एक दूसरी गाड़ी 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी स्टेशन को पार किया है, यानी इधर से आ रही है एक दूसरी गाड़ी जो इस स्टेशन को पार किया है। तो अब एक्चुअल स्थिति ये है कि स्टेशन, इस स्टेशन को पार करने के बाद मालगाड़ी यहां है, और मालगाड़ी यहां तब पहुंची है जब 3 घंटा बीत चुका है स्टेशन पार करने के 3 घंटा। तो मालगाड़ी ने 3 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी ये पता करना है। तो ये ए और बी मान लिए कि मालगाड़ी 3 घंटे में ये डिस्टेंस तय किया। अगर मालगाड़ी की स्पीड को हम H2 मान लें तो 3 घंटे में जो दूरी तय होगी तो दूरी बराबर 4 गुणे समय यानी 3 गुणे H2 हो गया। H2 हम लोगों ने स्पीड 2 जो है मालगाड़ी की चाल मान लिया। अब देखिए, जब ये 3 घंटे की दूरी तय कर ली है तो ये बी पर पहुंची है, और 3 घंटे बाद यानी अब ए पर एक दूसरी गाड़ी जिसकी स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर है ये आ रही है, और 8 घंटे बाद ये मालगाड़ी से आगे निकल जाती है। तो पहले तो ये गाड़ी जो पीछे से आ रही है ए और बी यानी 3S को पार किया, और फिर 8 घंटे बाद इसको पार कर लिया, मतलब मालगाड़ी को पीछे ढकेल दिया यानी पीछे कर दिया और अपने पार हो गई। ठीक है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड निकाली जाएगी क्योंकि ये दोनों ट्रेनें चल रही हैं, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं, एक की स्पीड H2 है और दूसरे की स्पीड 88 है। इसमें यही पूछ रहा है कि मालगाड़ी की गति क्या है, यानी हमको H2 निकालना है। H2 निकालने के लिए जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 88 में से H2 माइनस कर देंगे। तो अब देखिए, पहले इन दोनों ट्रेनों के बीच में जो गैप है वो गैप ये है, इसी गैप को पीछे वाली गाड़ी जब पूरा कर देगी, भर देगी, तब इस आगे वाली मालगाड़ी को पूरा करेगी। तो चूंकि दोनों ट्रेनें चल रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड ये आ गई, इस स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर किया जाएगा, तो 8 घंटा का टाइम लगा है जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड होता है, तो टाइम यहां पर 8 दे दिया गया है और डिस्टेंस है 3S2, और यहां पर रिलेटिव स्पीड है 88 माइनस H2। अब यहां से H2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो H2 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हो जाएगा 3H2 बराबर 8×88 माइनस 8S2, और ये 8S2 जब इस साइड आएगा तो ये 11S2 हो जाएगा, तो 8×88, अब यहां से H2 की वैल्यू आ गई, देखिए 11 से ये 8 बार में कट गया तो ये 64 किलोमीटर पर आवर आ गई।
यानी जो मालगाड़ी जा रही थी जिसकी स्पीड को हम लोगों ने S2 माना था, उसकी स्पीड आ गई 64 किलोमीटर पर आवर। तो 3 घंटे में स्टेशन पार करने के बाद मालगाड़ी कितनी चली, तो 3 S2 दूरी तरीक चली, और इसी दूरी को पीछे वाली जो ट्रेन है वो 88 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इस गैप को पूरा करेगी, तब आगे वाली गाड़ी को वो पार करेगी। तो इसी डिस्टेंस को जो इनके बीच का गैप है, ये गैप इस रिलेटिव स्पीड के द्वारा भरा जाएगा, और वो कितने टाइम में भरेगा, कितने टाइम में कवर होगा, तो टाइम 8 दिया हुआ है, 8 घंटे में कवर हो जाएगा। तो इस 8 के थ्रू हम लोगों ने मालगाड़ी की स्पीड निकाल लिया। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि रुचिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर और रुकमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं, यानी एक इस साइड से आ रहा है और दूसरा इस साइड से आ रहा है, एक दूसरे की तरफ। तो इधर है रुचिर और इधर है रुकमा, हमने माना है रुचिर की स्पीड मैंने मान लिया कि ये 20 किलोमीटर पर आवर है, और रुकमा की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ। एक दूसरे की तरफ आते हैं, 48 मिनट के बाद मिलते हैं, यानी आप खुद समझ सकते हैं कि इनकी बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये डी, इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा है, 48 मिनट, यानी 48 मिनट का टाइम लगा। तो 48 मिनट में इन दोनों ट्रेनों ने इस दूरी को कवर किया, तभी ये मिल पाएंगी। तो इनकी रिलेटिव स्पीड निकाली जाएगी कि रिलेटिव स्पीड क्या है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो दोनों की जुड़ जाएगी, तो 20 धन 25 हो गई रिलेटिव स्पीड। और इनका टाइम दिया है 48 मिनट, तो इसे 60 से भाग दे देंगे तो ये घंटा में बदलेगा, क्योंकि यहां पर जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर है और ये मिनट टाइम दिया है, तो इसे घंटा में बदलना होगा। तो देखिए ये 12 चौक 48 और 12 5 60, यानी 4/5 घंटा आ गया। अब आपको दूरी निकालना है कि शुरुआत में उनकी बीच की दूरी कितनी थी, तो शुरुआत में उनकी बीच की दूरी ये d है और यही पता करना है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, तो चाल आ गई है 45 किलोमीटर पर आवर, दोनों की चाल जुड़ गई, और टाइम आ गया है 4/5 घंटा, तो 5 × 9 = 45 और 9 × 4 = 36 किलोमीटर शुरुआत में उनकी बीच की डिस्टेंस है, और ये ऑप्शन सी सही है। तो आपने देखा कि ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, और इनकी बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमको टाइम चाहिए, और टाइम दे दिया है 48 मिनट में, ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चलता है तथा उसके आरंभ होने के 8 घंटे के पश्चात बी अपनी साइकिल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसके पीछे निकलता है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर किलोमीटर में बी ए को पकड़ लेगा। देखिए दोनों एक ही जगह से निकलते हैं, लेकिन ए को निकले हुए 8 घंटे हो चुके हैं, 8 घंटे के बाद बी निकल रहा है उसी रास्ते पर, तो 8 घंटे में ए ने ये डिस्टेंस तय कर लिया। पहले वो पी से निकला और क्यू पर पहुंच गया, क्योंकि ए 8 घंटे तक चलता रहा, 8 घंटे बाद बी चल रहा है, तो बी अब यहां पर है और ए अब यहां पर पहुंच चुका है। ए तो ए की स्पीड दिया है 8 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड साइकिल की है 24 किलोमीटर पर आवर। तो 8 घंटे में पी से
ए जो है क्यू तक पहुंचा है, तो ये दूरी पता चल गई 8 घंटे में, और 8 किलोमीटर इसकी स्पीड है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, यानी ये 64 किलोमीटर की दूरी हो गई। पी और क्यू के बीच में 64 किलोमीटर की दूरी, यानी जिस समय ए जो है क्यू पर है उस समय बी अब पी पर है, और बी अब चलना शुरू किया है, तो बी ए को तब पकड़ेगा जब पी और क्यू के बीच की जो ये गैप है 64 किलोमीटर का, ये खत्म हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, ये भर जाएगा। तो ये किस गति से भरेगा? तो रिलेटिव स्पीड से भरेगा। रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड 24 माइनस 8 होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो घट जाएगी। तो ये आ गई 16 किलोमीटर पर आवर। 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये 64 किलोमीटर का गैप भरेगा, और ये दोनों देखिए, दोनों ये चल रहा है तो ये भी चल रहा है, तो ये गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो ये दोनों कहीं यहां जाकर के मिलेंगे। मान लीजिए कि ये P जो है यहां पर Q से मिल गया, ये B जो है यहां पर A से मिल गया, तो ये दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं तो इसी जगह पर तो मिलेंगे नहीं। ये जब खड़ा रहेगा A Q पर और B चल रहा है तो जाके मिल जाएगा, लेकिन A भी चल रहा है और B भी चल रहा है, तो अब Q पर इनका मिलन नहीं होगा, इनका R पर मिलन होगा, इस बिंदु पर मिलन होगा। तो P से R तक की डिस्टेंस पूछा गया, तो ये देखिए 64 किलोमीटर की गैप कहां जाकर के पूरा होगी? R पर पूरा होगी। तो ये जो डिस्टेंस है 64 किलोमीटर, यही गैप को, इसी गैप को इस स्पीड से भरा जा रहा है, तो टाइम कितना हो गया? 64 किलोमीटर बटा 16, और ये हो जाएगा 4 घंटा। तो यहां पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा, तो बी की स्पीड है 24 किलोमीटर और ए की स्पीड है 8, तो या तो हम क्यू से ए की दूरी निकाल लें क्यू आर, तो 4 घंटे में 8 किलोमीटर के हिसाब से ए कितनी दूरी तय करेगा, तो 4 घंटे में इस स्पीड से ए 8 × 4 = 32 दूरी तय करेगा, 32 किलोमीटर। तो पी से और आर की दूरी पूछ रहा है कि आरंभिक बिंदु से जहां पर मिले हैं वहां तक की दूरी, तो पी आर की दूरी हो गई 64 ये और प्लस 32 वो, तो 4 × 6 = 6, 3 × 9 = 96 किलोमीटर। अगर आप यही दूरी बी के हिसाब से निकालना चाहते हैं, तो B की स्पीड 24 दिया है और 4 घंटे में B कितना तय करेगा, तो 24 × 4, तो 24 × 6 = 96। तो दोनों तरीके से आप स्पीड पा सकते हैं, A Q से R तक कितना दूरी तय किया, तो 32 किलोमीटर तय किया, और B P से R तक की कितनी दूरी तय किया 4 घंटे में, तो वह है 96 किलोमीटर। तो यही आपका आंसर था ऑप्शन B, 96 किलोमीटर बी जो है ए को 96 किलोमीटर यानी आरंभिक बिंदु से 96 किलोमीटर पर जाके पकड़ लेगा। तो ये सब कुछ हम लोगों ने किलोमीटर में ही यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं हुई। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि दो गाड़ियां एक दूसरे की तरफ 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। टकराने से 10 सेकेंड पहले उनके बीच की दूरी किलोमीटर में क्या थी? मान लीजिए कि एक ट्रेन इधर से और एक ट्रेन इस साइड से आ रही है, इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें। इस ट्रेन की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर पर आवर की है और इस ट्रेन की स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि ये टकराने के 10 सेकेंड पहले उनकी बीच की दूरी क्या होगी? तो 10 सेकेंड में जो इनकी रिलेटिव स्पीड से डिस्टेंस तय होगी वही दूरी आपको पता करना है। इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन से चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड इनकी ऐड हो जाएगी, तो 45 + 63, तो 5 × 3 = 8 और 6 × 4 = 10, 108 किलोमीटर पर आवर।
अब कह रहा है कि 10 सेकेंड पहले उनकी बीच की दूरी क्या होगी, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। टाइम 10 सेकेंड है तो हम लोग इसको घंटा में बदलेंगे तो 3600 सेकेंड से भाग देंगे तब ये घंटा में बदलेगा, तो ये एक जीरो कट गया। अब ये 36 से ये कटता है, तीन बार में 36 से ये कट जाएगा, तो नीचे देखिए यहाँ 10 बचेगा और ऊपर 3 बचा, तो 3 में 10 से भाग देंगे तो 0.3 किलोमीटर में आ गया। तो 0.3 किलोमीटर इनकी बीच का गैप यानी 300 मीटर 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड में इनकी बीच का जो गैप रहेगा वो 300 मीटर का रहेगा यानी 0.3 किलोमीटर का रहेगा, और ये गैप बहुत तेजी से भरेगा, जैसे ये भरेगा ये दोनों टकरा जाएंगे। तो 10 सेकेंड पहले इनके बीच में 300 मीटर का गैप था यानी 0.3 किलोमीटर का गैप था। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे चलना आरंभ करती है तथा दूसरे स्टेशन बी पर 11 बजे पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से प्रातः 8 बजे चलना आरंभ करके स्टेशन ए पर 11:30 बजे पहुंच जाती है, बताइए दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को पार करें। मान लीजिए कि ये दो स्थान है, दो स्थान के लिए नाम दे दिया है स्टेशन ए और दूसरा स्टेशन बी। पहली रेलगाड़ी स्टेशन बी की तरफ चलती है, कितने बजे चलती है? 7 बजे 7 AM पर ये चल देती और 11 AM पर ये पहुंचती है, और इधर से जो ट्रेन चलती है बी की तरफ से वो ट्रेन चलती है 8 बजे 8 AM पर, और ए पर पहुंचती है 11:30 AM पर यानी 11:30 बजे ये ए पर पहुंचती है। अब पूछ रहे हैं कि दोनों रेलगाड़ियां बीच में कहीं मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, मान लीजिए सी बिंदु पर ये मिलेंगी, लेकिन ये नहीं पता है कि कब मिलेंगी, यही हम लोगों को पता करना, और इन दोनों ट्रेनों की स्पीड नहीं पता है। तो मान लीजिए कि इस पूरी डिस्टेंस को हम लोग डी मान लिया जाए, तो जो ट्रेन वन है टी वन को हम लोग ट्रेन वन कहेंगे, ये जो ट्रेन वन है इस डी को, इस डिस्टेंस को 3 घंटे में 4 घंटे में पूरा कर रही है क्योंकि 7 बजे चल रही है 11 बजे पहुंच रही है, तो 4 घंटे में वो ये दूरी तय कर रही है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? S1 बराबर डिस्टेंस अपान टाइम यानी D/4 हो गया 4 घंटे ट्रेन टू ट्रेन वन की स्पीड आ गई। इसी तरह से ट्रेन टू की स्पीड क्या आएगी? ट्रेन टू की स्पीड S2 है, और ये कितनी देर में तय कर रही है? ये 8 बजे चल रही है और 11:30 बजे पहुंच रही है, तो 3 × 1/2 यानी 5/2 घंटा ये ले रही है, नहीं 7/2 2 × 3 = 6 = 7/2 7/2 घंटा ये टाइम ले रही है, तो डिस्टेंस अपान 7/2 या 2D/7 ये स्पीड आ गई दूसरी ट्रेन। अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं? चूंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी यहां पर, तो D/4 + 2D/7 ये दोनों स्पीड हम लोगों को जोड़ लेना है। तो जोड़ने के बाद ये देखिए 28 होगा
तो ये 15d/28 इसकी रिलेटिव स्पीड आ गई। देखिए 7d और 4 × 8 तो 8 × 7 = 15d/28 इन दोनों की रिलेटिव स्पीड आ गई। अब एक बात ध्यान देना है, फिर मैं एक चित्र बना रहा हूं कि यहां पर जो ए से बी की तरफ ट्रेन जा रही है वो 7 बजे चल रही और इधर वाली ट्रेन 8 बजे चल रही, तो ये 7 बजे वाली ट्रेन 8 बजे मान लीजिए यहां पहुंची सी पर, इस डिस्टेंस को सी मान लीजिए या इसको डी मान लीजिए, सी यहां पर माने, तो ये पूरी दूरी जो है ये पूरी दूरी को हम लोगों ने डी माना है और ये जो एडी है वो पहले वाली ट्रेन द्वारा चली गई दूरी है। तो 1 घंटे में ये कितना दूरी तय करेगी, अगर इसकी स्पीड को हम S1 माने हैं तो 1 घंटा में ये कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए ये S1 की स्पीड आई है d/4, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय यानी d/4। तो 1 घंटे में जो पहली वाली ट्रेन है वो ए से डी पर पहुंचेगी यानी ये दूरी तय कर लिया। अब 8 बजे वो यहां पहुंचेगी डी पर और बी भी 8 बजे चल रही है, तो डी से जो पहली वाली ट्रेन है वो 8 बजे चल रही है और बी से ये भी 8, यानी दोनों के चलने का टाइम अब सेम हो गया। अब इस सेम टाइम से इस दूरी को यानी डी और बी की बीच के गैप को ये दोनों ट्रेनें अपने रिलेटिव स्पीड 15/d से कवर करेंगी, तो ये दूरी कितनी होगी, पूरी दूरी डी है और डी में से d/4 निकाल देंगे, तो d/4 निकाल देंगे तो 3d/4 बच जाएगा, तो 3d/4 डिस्टेंस इस स्पीड से तय की जाएगी तो कितना टाइम होगा, तो टाइम बराबर 3d/4 ये दूरी है और स्पीड है 15d/28, इसको हम लोग लिख लेंगे 3d/4 × 28/15d। अब देखिए d कैंसिल हो गया और 3 × 5 = 15 हो गया और 4 × 7 = 28 हो गया, यानी 7/2 आ गया। 7/2 का मतलब क्या हुआ, 3 × 2 = 6 यानी 3 घंटा, 7 में 2 से भाग देंगे तो 3.5 घंटा आएगा, 3 घंटा 30 मिनट, यानी 7 का आधा जो है 3 घंटा 30 मिनट आएगा। यहां पर मेरे द्वारा एक मिस्टेक हो रही है, ये 2 न होकर के ये 5 होगा, ये 5 बार 3 से 5 बार में कटा है तो ये 5 होगा, तो ये 7/5 हो गया, तो 7/5 हो गया, तो अब ये टाइम जो आ जाएगा ये देखिए एक बार जाएगा 1 घंटा 24 मिनट के बराबर आएगा, 1 घंटा 24 मिनट। तो 8 बजे जो है दोनों चली हैं, तो 8 में 1 घंटा 24 मिनट जोड़ देंगे तो 9:24 AM पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन में एक खास बात ये थी कि केवल टाइम दिया था, डिस्टेंस नहीं पता था और दोनों ट्रेनों की स्पीड नहीं पता थी, और ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर उसे लिख करके और मान करके किया हुआ है। तो ये रिलेटिव स्पीड का ही कॉन्सेप्ट सिर्फ इसमें यूज हुआ है, ये क्वेश्चन और भी दूसरे कॉन्सेप्ट से या दूसरे मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं चूंकि आपको ये बता रहा हूँ कि एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसलिए इसमें रिलेटिव का ही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 2 गधे एक दूसरे से 400 मीटर की दूरी पर खड़े,
पहला गधा 3 मीटर पर सेकंड की गति से और दूसरा 2 मीटर पर सेकंड की गति से भाग सकता है। यदि दोनों एक दूसरे की ओर भागते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से टकराएंगे? मान लीजिए कि एक गधा इधर से और एक गधा इधर से भाग रहा और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर की। ये जो गधा है, गधा नंबर एस नंबर 1, इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड और एस नंबर 2 यानी गधा नंबर 2 की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक दूसरे के अपोजिट भाग रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी तो 3 × 2 = 5 मीटर पर सेकेंड इनकी रिलेटिव स्पीड हो गई। पूछ रहा कितने समय बाद वे एक दूसरे से टकराएंगे? तो जब ये बीच का 400 मीटर का ये जो गैप है ये भर जाएगा तब ये टकरा जाएंगे। तो इस कितने टाइम में भरेगा? तो टाइम बराबर दूरी बटा चाल। चाल ये 5 है तो 5 × 8 = 40 यानी 80 सेकेंड में ये दोनों ये गैप 400 मीटर का इनकी रिलेटिव स्पीड से भर जाएगा, कवर हो जाएगा। तो 80 सेकेंड बाद ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि ए और बी बिंदु राजमार्ग पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कोई ये रोड है जो जा रही है। इस रोड पर ए और बी दो पॉइंट हैं या बिंदु हैं और इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर डिस्टेंस। अब यहां पर ये कह रहा है कि ए और बी बिंदु राजमार्ग पर 100 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक कार ए से दूसरी कार उसी समय बी से चलना शुरू करती। एक कार ए से और दूसरी कार उसी समय बी से चलना शुरू करती। तो एक कार इधर से यानी कार नंबर 1 और दूसरी कार इधर से यानी कार नंबर 2 एक ही समय पर चलना शुरू करती। यदि कार उसी दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिल जाते। यदि कारें एक दूसरे की दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे में मिलती। तेज चाल की कार की चाल क्या है? तेज चाल की कार की चाल क्या है? अब देख रहे कह रहा है कि अगर दोनों कारें एक साथ एक एक दिशा में चलें तो मान लीजिए कि पहली कार की स्पीड S1 और दूसरी कार की स्पीड को हमने S2 मान लिया। तो अगर ये सेम दिशा में चलेंगी तो इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी S1 में से S2 माइनस कर देंगे। हमने S1 को तेज कार मान लिया या स्पीड उसकी ज्यादा मान ली। अगर वो विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड तब क्या हो जाएगी? ये स्पीड जुड़ जाएगी। दूरी यही है। इस दूरी को जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 5 घंटे में तय करती हैं। तो 5 × यानी समय × चाल दूरी के बराबर होता है। तो 5 × S1 − S2 ये 100 के बराबर है। तो 5 से ये काट देंगे 20 बार में यानी S1 − S2 = 20 आ गया। ये पहला इक्वेशन आ गया। और इसी दूरी को S1 + S2 से 1 घंटे में तय होती है यानी S1 + S2 × 1। तो 1 का गुणा होगा तो यही चीज आएगी और यही दूरी कितने यही दूरी तय होती है 1 घंटे में जब वो विपरीत दिशा से चले। ये दूसरा समीकरण। ये वास्तव में 1 × S1 + S2 = 100 है। तो इसको हम लोग S1 + S2 = 100 ले लिए हैं। लेकिन ये होगा इस तरह से, यहां पर ऐसे। अब दो आपको इक्वेशन मिल गए, इन दोनों को सॉल्व करना है और S1 की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो ये S2 कट जाएगा, 2S1 = आ गया 120,
100 और 20 जुड़ करके तो S1 बराबर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर इनकी स्पीड आ गई, यानी जो कार वन है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटा आ गई और उसको हम लोगों ने तेज चाल वाली कार माना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एक चोर 1:30 बजे यानी 1:30 PM पर, ये दिन की बात है, चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू करता है। मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 PM पर उसका पीछा करता है, वह किस समय पकड़ लेगा। मान लीजिए कि यहां पर घर था जहां पर चोर ने चोरी किया और ये चोरी किया 1:30 PM पर और वो भागना शुरू किया। चोरी करने के बाद भाग रहा, भाग करके जब वो मान लीजिए कि ये ए है और ये बी पर पहुंचा तो आधे घंटे में वो दूरी तय करेगा क्योंकि आधे घंटे बाद 2 बजेगा और 2 बजे यानी 2 PM पर मालिक जाग गया और मालिक इसका पीछा किया। तो इस आधे घंटे में जो चोर है वो यहां पर पहुंचा, तो आधे घंटे में चोर ने कितनी दूरी तय कर लिया। अगर उसकी चाल 40 किलोमीटर एक घंटे में है तो आधे घंटे में 20 किलोमीटर हो जाएगी। तो 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय कर लिया है आधे घंटे के अंदर इस चोर ने। अब यहां पर मालिक है और ये चोर है, दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का गैप है। अब चोर भाग रहा और मालिक 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा। मान लीजिए कि मालिक जो है इस चोर को यहां पकड़ लिया इस जगह पर, यानी सी पर पकड़ लेगा। तो ये मालिक और चोर, पकड़ा गया चोर, तो पूछ रहा है कि उसे किस समय पकड़ लेगा, टाइम पूछ रहा। तो टाइम कैसे निकलेगा, ये जो 20 किलोमीटर का गैप मालिक और चोर के बीच में है इनकी रिलेटिव वेलोसिटी से कवर किया जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी 50 में से 40 निकाल देंगे 10 किलोमीटर पर आवर क्योंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो टाइम बराबर क्या हो गया, 20/10 बराबर 2, यानी 2 आवर आ गया, 2 घंटा। तो 2 बजे, ये 2 बजे दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का गैप था और 2 घंटा इस गैप को भरने में लगा। तो 2 बजे से 2 घंटा 4 बजेगा, तो सायं 4 PM पर ये मालिक उस चोर को पकड़ लेगा। तो 4 PM इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन में है कि एक खरगोश अपने से 200 मीटर दूरी पर एक कुत्ते को देखता है तथा विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 2 मिनट बाद खरगोश को देखने पर कुत्ता 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। तो ज्ञात कीजिए कि कुत्ता खरगोश को कितने समय बाद तथा खरगोश के आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो इस चित्र से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए कि कुत्ता यहां पर था और खरगोश यहां पर था, रैबिट, इस स्थान को हम ए मान लें और इसको बी मान लें और ये दूरी है 200 मीटर की, 200 मीटर की ये दूरी। अब जब खरगोश ने कुत्ते को देखा तो वो भागना शुरू किया, ये भागना शुरू किया और सी पर पहुंचा। 2 मिनट बाद कुत्ता चला है, 2 मिनट बाद, तो शुरुआत में खरगोश बी पर था और 2 मिनट बाद कुत्ता जो है भागना शुरू किया है। तो उस 2 मिनट में खरगोश ने बिंदु बी से सी पर पहुंच गया, तब कुत्ता शुरू किया अपनी दौड़। और जब दौड़ शुरू किया तो मान लीजिए कि डी पर जाकर कुत्ता पकड़ लिया, ये कुत्ता डी पर जाकर खरगोश को पकड़ लिया। तो शुरुआत में खरगोश कहां पर है, खरगोश यहां पर है। 24 मिनट बाद
दो मिनट बाद वो यहां पर पहुंचा। तो अब खरगोश जब सी पर है तब कुत्ता ने दौड़ना शुरू किया। तो ये दो मिनट में चली गई दूरी है बी से सी तक। तो दो मिनट को अगर हम लोग घंटा में बदलें तो 2/60 यानी 1/30 घंटा होगा। तो 1/30 घंटा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूरी कितनी हो जाएगी, यानी बीसी की दूरी कितनी हो जाएगी। बीसी बराबर 1/30 गुणे यानी समय गुणे चाल, चाल है 24, 3 से कट जाएगा, 3 × 30, 3 × 8 = 24, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, यानी 4/5 ये किलोमीटर में डिस्टेंस आ गई। अगर इस डिस्टेंस को मीटर में हम बदलें तो 4/5 × 1000 और ये हो जाएगा 800 मीटर। तो देखिए यहां से ये 200 मीटर है और 800 मीटर ये आ गया। तो ए से सी की जो डिस्टेंस है AB + BC, तो देखिए AB क्या है, AB 200 है और BC 800, ये दोनों मिलकर 1 किलोमीटर आ गए। तो ए से सी की जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर तक का है। अब डॉग जो है रैबिट को यहां पकड़ लेता है, रैबिट को डॉग यहां पकड़ लेता है, कुत्ता पकड़ लेता है। तो शुरुआत में जब कुत्ता खरगोश को देखा तो उन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था, क्योंकि उस समय खरगोश यहां पर था सी पर और डॉग यहां पर था, तब चलना शुरू किया। तो खरगोश और कुत्ते की बीच की दूरी है 1 किलोमीटर और इनकी रिलेटिव स्पीड से तय होगी। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ गई, रिलेटिव स्पीड 32 जो है कुत्ते की चाल है, तो 32 में से 24 निकल गया, बचा 8। तो 8 किलोमीटर इनकी प्रति घंटा रिलेटिव स्पीड है और 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसे इसे कवर करना। तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगेगा, तो 1/8 घंटा टाइम लगा। अब इस 1/8 घंटे में डी कितनी दूरी तय करेगा, तो 1/8 घंटे में कुत्ता कितना चला, तो कुत्ते की चाल है 32 और 1/8 घंटा, तो 8 × 32 यानी ये आ गया 4 किलोमीटर। तो कुत्ता ए से डी तक जो पहुंचा है, ए से डी तक कुत्ता जो है कितना चला है, 4 किलोमीटर। और ये पूछ रहा है कि खरगोश आरंभिक स्थान से किसी कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो खरगोश पहले सी पर था और वह डी पर पकड़ा गया, तो ये दूरी कितनी होगी। तो यहां से ए से सी तक की दूरी जो है 1 किलोमीटर है, तो सी से डी तक की दूरी कितनी होगी, ए से डी तक की दूरी 4 किलोमीटर, ए से सी तक की दूरी 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। तो हम लोगों को दूरी निकालना है सी से डी तक, तो CD बराबर हो जाएगा 4 − 1 = 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर ये हो गया और कितनी देर में पकड़ा गया, 1/8 घंटा। तो टाइम हो गया 1/8 घंटा, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। देखिए 4 × 8 और 15 × 60 यानी 15/2, और 15/2 को 7 सही 1/2 मिनट लिखेंगे और दूरी कितनी हो गई, 3 किलोमीटर। तो खरगोश जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति से 3 किलोमीटर दूर पकड़ा जाएगा और टाइम लगेगा 7.5 मिनट, तो ऑप्शन सी सही है। तो फ्रेंड्स 1 से लेकर 10 तक के ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं इसमें सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी के कांसेप्ट यूज हुआ है।
तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं कहूँगा कि आप अभी लाइक की बटन को टच कर दीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी कोई कंसेप्चुअल वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।